ओम शांति। अव्यक्त वाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 22वां पॉइंट है, एक प्रश्न पूछा था कि अब जो बाप दादा अन्य तन में आते हैं तो जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे वैसे ही क्यों नहीं चलाते? क्या वैसे ही मुरली नहीं चला सकते हैं? क्यों भाषा बदली, क्यों तरीका बदला? ऐसे प्रश्न बहुतों को उठता है। बाबा कहते हैं, एक प्रश्न पूछा था कि अब जो बाप दादा अन्य तन में आते हैं तो जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे वैसे ही क्यों नहीं चलाते? बच्चे इस बात को ध्यान से समझे, शब्दों में ना अटके, अक्षरों में ना अटके, वो भी माया है। तुम अक्षरों का भाव समझो। जहां आत्मिक उन्नति का ज्ञान दिया जा रहा है वहां बाप दादा बैठा है, बाप बैठा है। जहां आत्मा की बात की जा रही है वहां बाप है। जहां संसार की बात की जा रही है वहां बाप नहीं है। बच्चे भाषा में अटक जाते हैं, शब्दों में अटक जाते हैं, अक्षरों में अटक जाते हैं। बाप को फ्रेम में बांध के रखा है बच्चों ने। बाबा कहते हैं, बाप को बांधने की कोशिश मत करो, वो फ्रेम में नहीं बैठता। और जिस दिन तुम्हारी फ्रेम में बैठ जाएगा तुम संपन्न और संपूर्ण हो जाओगे, इस धरा पर नहीं रह सकते बताने के लिए कि बाप कैसा है। इसलिए जज मत करो, तर्क वितर्क मत लगाओ, मायावी खेल में मत चलो कि बाप ऐसा ही है। बाप को लेकर ही शब्द मस्ट नहीं लगता। किसी मनुष्य को या देवताओं को, शक्तियों को तुम मस्ट ही लगा सकते हो, बाप के लिए नहीं है। इसलिए बाप को आज तक कोई पहचान नहीं पाया है। बाप का कोई स्वरूप, कोई एंगल अगर फिक्स होता तो दुनिया जान जाती, पर दुनिया ने अब तक नहीं पहचाना क्योंकि वो पकड़ में नहीं आ सकता। जो पकड़ने की कोशिश करता है उससे वो छूट जाता है, और जो छोड़ देता है उसकी पकड़ में आता है। इसलिए उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसकी श्रीमत पर चलते रहो, वो तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा। इसलिए ये जो मायावी या दुनियावी खेल है, बाप दादा के पार्ट को लेकर प्रश्न पूछने का, उसमें नहीं जाना। अभी नवरात्र चल रही है तो एक शक्ति अनेक जगह अनेक तन में प्रवेश कर सकती है। जब जहां भी हवन होता है, ओम होता है, जो भी कार्य होता है, शक्ति आती है किसी न किसी तन में, तो क्या बाप प्रवेश नहीं कर सकता? समझ की बात है, तुम पकड़ के मत रखो। तुम्हें उसके ज्ञान से क्या करना है वो तुम करो, तुम उसके पीछे मत लगो। वो जो सिखा रहा है उसके पीछे तुम लगो, उसे तुम पकड़ने की कोशिश करो जो वो ज्ञान दे रहा है, उसकी श्रीमत को पकड़ने की कोशिश करो। बाप को नहीं बांधो, गिर जाओगे। समझ की बात है, ड्रामा को लेकर कभी कोई प्रेडिक्शन नहीं करना, बाप को लेकर कभी कोई प्रेडिक्शन नहीं करना, गिर जाओगे, मुंह के बल गिर जाओगे। समझ की बात है। इसलिए ये सारे जो सवाल है कि जैसे बाप साकार मुरली चलाते थे
वैसे ही क्यों नहीं चलाते। बाबा कहते ये सारे मायावी सवाल है, मेरी मर्जी, मुझे जो मन हो मैं करूंगा, मैं कोई बंधा हुआ हूं क्या तुमसे कि तुम्हें ठीक लगे, तुम्हारी बुद्धि संशय बुद्धि ना बने, इसलिए मैं वही करूं जो अब तक करता आया। तुम्हारी गलत फहमी है। बाबा कहते मैं माया को कहूंगा और इसे संशय में लेके आऊं, अब तक पार्ट आया नहीं, आगे चल के आएगा, सारी दुनिया संशय में पड़ जाएगी कि बाप है या नहीं है, फिर उसी संशय से निश्चय जन्म लेगा। समझ के बात है। बाबा कहते मैं यही काम करता हूं, जब तुम्हें निश्चय पक्का हो जाता है तो मैं तुम्हारे निश्चय की परीक्षा लेता हूं कि तुम्हें मुझ पर कितना निश्चय है। माया को कहता हूं लो इनकी परीक्षा, फिर माया परीक्षा लेती है, विचार लाएगी तुम्हारे मन में, संशय लाएगी, पकड़ में आए माया के ना कि नापास हो गए, गिरे तो चकनाचूर, और एक बार गिर गए तो उठना मुश्किल होता है। बाबा कहते इसलिए संशय में नहीं आना, हमेशा ध्यान में रखना, संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति, निश्चय बुद्धि। समझ की बात है। बाबा कहते तो जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे वैसे ही क्यों नहीं चलाते। बाबा कहते इस ड्रामा में क्यों क्या नहीं पूछा जाता, बिंदी लगाई जाती है और जो है उसे स्वीकार किया जाता है, जो है। समझ की बात है। साकार में बाबा होते, ब्रह्मा बाबा, मम्मा होते, पियूतन में भी आए ना बाबा, तुमने देखा है कैसा है बाबा, कभी फोटो देखना, पता चलेगा बाप कैसा है। आदि वाली मुरलिया सुनना, बाप का रूप देखना, पता चलेगा बाप कैसा है। समझ की बात है। इसलिए पकड़ के नहीं रखो, बिंदी लगाओ आगे बढ़ो, बिंदी लगाओ। जैसे तुम्हें लगा कि तुमने बाप को पहचाना, माया हाजिर है गिराने के लिए, संशय में लाने के लिए, अंत तक ऐसे ही रहना है, हम बाप को नहीं जानते, तुम हर रूप से बाप को जानते जाओगे। जिस दिन तुमने जाना कि माया आई, बाबा कहते ना महारथियों के पास ही माया आती है, महारथी मना कोई बहुत बड़ा नहीं, ज्ञान योग में मेरा 5 मिनट बहुत अच्छा योग लगा, ये जो तुमने अपने आप से या किसी और से बोला ना, उस घड़ी तुम महारथी बने, अहंकार आया अभी माया आई, बस चलना है। आज हमने 5 बार मुरली पढ़ी या सुनी, तुम अपने आप को बता रहे हो या किसी और को बता रहे हो, माया आई। यह संगम शांत रहने का युग है, मौन का युग है, शांति का युग है। शांत रह पाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, अगर चंचलता रही तो गिर जाएंगे, ध्यान में रखना। इसलिए शांत रहना सीखो, कुछ भी किसी को नहीं बताओ, बस तुम करते चलो, अपने आप को भी नहीं बताओ। तुमने खुद को बताया कि तुम्हारे मन ने सुना और तुम्हारे मन के पास ही माया बैठी, कि माया को पता चला इन्होंने 5 बार मुरली की है, दूसरे दिन 1 बार भी करने नहीं देती, अहंकार है सारा। इसलिए बाबा कहते शांत रहो, तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारे पास रखो,
बांटने की कोशिश मत करो, खाली हो जाओगे। जब बाबा को तुम्हारे द्वारा बांटना है या बंटवाना है, बाबा बांट देगा, बंटवा देगा। तुम्हारे हाथ में बाबा ने प्रसाद की थाली दी है, तुम पूछो नहीं ये बांटे क्या। तुम्हें जब आज्ञा मिलेगी, श्रीमत मिलेगी, तब बांटना। तुम तुरंत पूछते हो ये बांटना है, शायद बाबा का मन है पूरी थाली तुम ही ले लो, पर तुम्हें रहा नहीं जाता, तुम तुरंत सवाल करते हो ये बांटना है। आई माया, यही तो माया है। श्रीमत ऐसे होते हैं, जितना बोला गया, जितना कहा गया, उतना ही करना है, ये श्रीमत है। न उसके आगे सोचना है, न पीछे सोचना है, ऐसी श्रीमत होती है। कभी बाबा कहेगा बैठो जरा दो मिनट, अब तुरंत कहोगे दो मिनट में आप आएंगे क्या? हम आए या ना आए, तुम्हें बैठने को बोला है, तुम्हारा काम है बैठना। शायद हम दो घंटे दो दिन भी ना आए, तुम्हें आज्ञा क्या मिली है, बैठो। श्रीमत ऐसे होती है। श्रीमत माने जितना कहा गया, उसके न पीछे का सोचना है न आगे का सोचना है। इसलिए बाबा कहते अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल कर मेरे पास आओ, तो तुम्हें ये ज्ञान समझ में आएगा, क्योंकि ये सब नया है। तुमने दुनिया का एक अक्षर भी पढ़ा या सुना, तुम भटक जाओगे, माया है बहुत। इसलिए इसी में चलो। बाबा ने कहा ना, पढ़ना है तो अव्यक्त वाणी है, साकार वाणी है, मम्मा वाणी है, बहुत है, पढ़ो या सुनो, चलते रहो, समझ की बात है। पर दुनियावी बातों में नहीं जाना, माया है सारी बातों में, बहुत माया है। तो बाबा कहते क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ, ये ड्रामा है, और बाप को लेकर तो कभी नहीं लगा। एक तो दुनिया में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, बाप को लेकर, ईश्वरीय परिवार को लेकर, ईश्वरीय कार्य को लेकर भी कभी नहीं लगाना है। मां बाप है वो, जब तक अज्ञान में थे बाबा कहते ठीक है, अभी ज्ञान में आए हो, समझो जरा, ध्यान से समझो ज्ञान को। बच्चे समझते नहीं, बुद्धू के बुद्धू ही रह जाते हैं, फिर अपने तर्क वितर्क अर्थ निकाल देते हैं और भटक जाते हैं, खुद भी भटकते हैं और दूसरों को भी भटकाते हैं। इसलिए बाबा के पाठ को लेकर कभी नहीं सवाल पूछना। तुम्हें तुम समझ में नहीं आए, बाबा का पाठ कहां से समझ में आएगा? बाबा का पाठ समझने के लिए पहले बाबा को समझना पड़ेगा, बाबा को समझने के बाद इस ड्रामा को समझना पड़ेगा। ड्रामा को समझे तो थोड़ा बहुत बाबा का पाठ समझ में आएगा, थोड़ा बहुत। इसलिए पहले जैसे मुरली क्यों नहीं चलाते, इसमें मत जाओ, इसमें नहीं जाना है, भटकोगे। बाप बाप है, पहले कंफर्म करो, और अगर कंफर्म है कि बाप बाप है तो सवाल नहीं पूछो। और जब तक कंफर्मेशन ना हो तब तक नहीं आना बाप के पास, वरना गड़बड़ हो जाएगी, समझ की बात है। एक प्रश्न पूछा था कि अब जो बाप दादा अन्य तन में आते हैं, तो जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे वैसे ही क्यों नहीं चलाते? बाबा कहते पार्ट नहीं है, ड्रामा नहीं है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, हर वक्त पार्ट बदलता जाएगा। तुम पुराना जैसा, पुराने जैसा खोजने की कोशिश करोगे, नए में नहीं मिलेगा, बाप नहीं मिलेगा वैसे,
बाप बदल जाता है। और जब पुराना तुम्हारे पास था तब तुमने बात मानी नहीं, अभी पुराना खो गया, वो नए में चला गया, नए पार्ट में, अभी नए पार्ट में तुम पुराना पार्ट ढूंढ रहे हो। करोगे क्या? पर अगर मिला तो चलो। बाबा ने साकार के जैसी मुरली चलाई, श्रीमत पर चलोगे, धारण करोगे एज इट इज? बाबा कहते है ताकत? बच्चे सवाल बहुत पूछते, इसलिए सवाल नहीं पूछो, जो जवाब मिला है उसे धारण करते जाओ। ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, बाबा कहते इन सवालों में मत जाओ, तुम बस शांत रहो। यह संगम युग शांत रहने का युग है, सवाल ना पूछने का युग है। जितने सवाल पूछोगे उतने भटकने की संभावना ज्यादा है, चांसेस बहुत ज्यादा है भटकने के। इससे अच्छा शांत रहो और चलते रहो, स्वीकार करो। तुम कहते हो ना ये सब ड्रामा है, सब ड्रामा है ना, तो जो कुछ हो रहा है वो सब ड्रामा है, तो स्वीकार करो, बात खत्म हो गई। पर तुम स्वीकार नहीं करते, तुम्हारे मन के मुताबिक होता है वही वाह ड्रामा वाह है, बाकी समझ की बात है। हमेशा ध्यान में रखना, कहीं सूरज डूबता है तो उसी घड़ी कहीं पर उगता है, किसी को दुख मिलता है तो उसी क्षण किसी और को सुख मिलता है, ये चक्र है। यहां दो तरीके से सेवा चलती है, कार्य चलता है, बाबा कहते हैं दो तरीके से, सिंगुलरिटी में नहीं चलता, ड्यूअलिटी है यहां पर, सिंगुलरिटी नहीं है। इसलिए जब तुम दुखी हो रहे हो मतलब कोई और सुखी हो रहा है, और जिस घड़ी तुम सुखी हो ना ध्यान में रखना कोई और दुखी है। तुम क्या चाहते हो ये तुम देखो, समझ की बात है। किसी को सुखी बनाने के लिए किसी को तो दुखी होना पड़ता है। तुम्हारा पेट भरने के लिए एक फल को अपना समर्पण करना पड़ता है, कटना पड़ता है, तब जाके तुम्हारा पेट भरता है। रोटी चाहिए तो गेहूं को समर्पण करना पड़ता है, गेहूं आटा बन जाता है और उस आटे की रोटी बनती है। दाल चावल चाहिए तो वो पक जाते हैं खौलते पानी में, तब जाके तुम्हारा पेट भरता है। कोई तो दुखी होता है तब कोई तो सुखी होता है, ये चक्र है। और तुम सदा सुख देखोगे मना तुम्हारे कारण सब सदा दुखी हो रहे हैं, कभी तो दुख भी लो अपने हिस्से में, समझ की बात है, कभी तो दुख लो तो तुम्हारे कारण कोई सुखी होने की संभावना है, चांसेस है। पर तुम्हें सदा सुख चाहिए, बस तुम सुखी, तुम्हारा परिवार सुखी, तुम्हारा काम हो गया, समझ की बात है। बाबा कहते ये चक्र है। कोई तो किसान रात दिन मेहनत करके खेती उगाता है, कष्ट करता है, दुख सहन करता है, तब जाके तुम सुख से अपने घर में डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हो। तुम्हें लगता है चार पैसे दिए काम हो गया, ऐसे थोड़ी है। कितनों के कष्ट है उसके पीछे, जो एक सब्जी तुम खा रहे हो, एक दाल चावल खा रहे हो, समझ की बात है। इसलिए कलयुग का सुख कांटों से भरा हुआ है, किसी को पीस कर, सिर्फ गेहूं को नहीं, किसी को पीस कर तुम्हें रोटी मिलती है, अनाज मिलता है, ध्यान रखना। इसलिए सिर्फ सुख की आशा नहीं करना, ड्रामा जो दे रहा है उसे स्वीकार करना। तुम्हें तो सदा सुख चाहिए, सम्मान चाहिए, अपमान के लिए तुम तैयार नहीं हो, तुम्हें बस सम्मान ही चाहिए।
बैक स्टेज में, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है तुम नहीं जानते हो। तुम्हारे सम्मान के लिए, जैसे किसी को एक ट्रॉफी देनी होती है, प्राइज देना होता है, पर कितने तो दिनों से तैयारी चलती है उस प्रोग्राम की, स्टेज की। प्रोग्राम होता है आधे एक घंटे का, लाखों करोड़ों खर्चा होता है एक स्टेज बनाने के लिए, आधे एक घंटे के लिए, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा है। समझ की बात है, प्रोग्राम बड़ा है तो लाखों करोड़ों खर्चा हो रहा है, मेहनत कर रहे कोई। बाबा कहते जो मिले स्वीकार करो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि रास्ता खराब हो गया कहने में? रास्ता बनाने वालों को पता है रास्ता बनाने में कितनी कठिनाइयां होती है, कितने कष्ट होते हैं। तुम्हें तो आसानी से मिल जाता है। कभी उस रास्ते को थैंक यू कहा है कि ये इतना सुंदर रास्ता है जहां से हमारी जर्नी बहुत सुंदर हुई, गाड़ी बहुत अच्छे से गई, बनाने वाले सभी को पदम गुणा शुक्रिया। कभी कहा है तुमने दिल से? कभी नहीं। तुम तुम्हारे घर में खाना बनाने वालों को थैंक यू नहीं कहते, शुक्रिया नहीं कहते, रास्ते वालों को कब कहोगे? बाबा कहते सब अहंकार के रूप है। तुम जैसे देखकर अनदेखा कर रहे हो, इसलिए ड्रामा में सवाल मत पूछो। जो तुम्हारे हिस्से में आ रहा है उसे ले लो। कहते हैं ना शास्त्रों का गायन है, कुंती ने श्री कृष्ण जी से क्या मांगा? तो दुख मांगा। कहते कि वरदान में मुझे दुख देना, सुख कभी आने नहीं देना मेरे पास, ताकि सदा आपकी याद रहे। बच्चे बाप के हैं, बाप तो कभी नहीं चाहेगा कि दुख आए बच्चों को, सदा सुखी रहे सारी दुनिया। यही बाप की शुभ भावना होती है, शुभ कामना होती है सारी दुनिया के लिए। पर कभी ड्रामा अनुसार तुम्हारे कर्मों का रिटर्न आता है तो उसे स्वीकार करना। रिजेक्ट करोगे और बड़ा आएगा, संकल्प नहीं कट करते, पर ये सत्यता है। रिजेक्ट करने के बाद बहुत बड़ा आता है, और बरोबर ऐसे समय पर आता है जब सब सुख भोग रहे होते हैं और तुम्हारा दुख तुम्हारे पास आता है और तुम कुछ नहीं कर पाते दुख भोगने के अलावा। इसलिए समझ कर चलो। बाबा कहते हैं ड्रामा को रिजेक्ट नहीं करना। ड्रामा है, कुछ भी हो सकता है। देखो संकल्प नहीं कल जाके तुम्हारे प्रियजन भी शरीर छोड़ सकते हैं, तो क्या कहेंगे? बाबा ऐसे कैसे हुआ? बाबा कहेगा वाह ड्रामा वाह, और क्या कहूं मैं, कुछ भी हो सकता है। बाबा कहते हैं फिर मेरे पास नहीं आना कहने के लिए बाबा ऐसे कैसे हुआ। ड्रामा, ड्रामा की भाभी, मम्मा ने शरीर छोड़ा, बाबा ने शरीर छोड़ा, दादियों ने छोड़ा, ड्रामा, ड्रामा की भाभी। बाबा कहते और क्या कहे, हर सेकंड ड्रामा चल रहा है, बस तैयार रहना, सब जाने वाला है, तुम होश नहीं खो देना बस। ये संसार खोने के समय में तुम अपने होश को हाजिर रखना, हाजिरा हुजूर रखना, वरना अगर होश खो गए ना तो सब खो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी फिर, और तुम पूछ नहीं सकते सवाल कि बाबा ऐसे कैसे हो गया। समझ की बात है, अगर समझदार हो तो सवाल नहीं पूछ सकते, और अगर ड्रामा को लेकर सवाल पूछा तो क्लास में बैठना नहीं मुरली सुनने के लिए, वो दूर से सुनना। समझ के बात है, समझदार ही बैठे जो आत्मा परमात्मा ड्रामा चक्र इसको जो समझते हैं वही बैठे, बाकी ना बैठे। पहाड़ के दुख गिरना बाकी है, दुख के पहाड़ आना बाकी है।
ये अभी का दुख कुछ भी नहीं है, किसी के ऊपर पहाड़ गिरा है वो ना निकल पा रहा है ना शरीर छोड़ पा रहा है, क्या दुख होगा विचार कीजिए, आना बाकी है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अति दुख होगा। फिर सारी दुनिया ही कहेगी कि हमें यहां नहीं रहना है, हमें घर वापस लेके चलो, फिर बाबा लेके जाएगा, ऐसे नहीं लेके जाएगा। जब तुम खुद कहोगे कि इस नरक की दुनिया में हमें नहीं रहना है, हम आपसे विनती करते हमें घर लेके चलो, हमें मुक्ति दो, वो भी एक बारी करने कहने से नहीं है, वो भी समय जाएगा, कड़ा समय जाएगा, कड़ा वैराग्य आएगा कि नहीं चाहिए ये दुनिया, अति वैराग्य, फिर बाबा ऊपर लेके जाएगा, तब तक नहीं लेके जाएगा, ध्यान में रखना। इसलिए पहाड़ जैसे दुख आना बाकी है, अब तक आए नहीं, शुरुआत हो जाएगी ड्रामानुसार। इसलिए एवर रेडी रहना, क्वेश्चन मार्क से बाहर निकलना। ये सारे जो सवाल है मुरली को लेकर, तुमने आज तक मुरली सुन के किया क्या बताओ? धारण किए कभी मुरली? आत्मा का पाठ पक्का किया है? परमात्मा तुम्हें समझ में आया है? ड्रामा तुम्हें समझ में आया है? चक्र तुम्हें समझ में आया है? क्या किया क्या तुमने? राजयोग कभी किया है? आत्मा समझकर बाप को कभी याद किया है? किया होगा इतना सा, थोड़ा सा, जितना चाहिए कभी किया है क्या? समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं ये सारे सवाल जवाब छोड़ दो, तुम्हें जो श्रीमत मिल रही वो तुम करो, उस पर तुम अटेंशन दो, समझ की बात है। बाबा कहते हैं कितने रूप बदलेंगे, क्या होगा तुम नहीं जानते, तुम्हारा काम है आत्मिक स्थिति में आना और निराकार रूप में परम धाम में बाप को याद करना, चक्र घुमाते रहना, ये तुम्हारा काम है, बाकी सवाल जवाबों में मत जाओ, समझ की बात है। निश्चय बुद्धि बच्चे को बाबा निश्चय का वरदान देता है और संशय बुद्धि बच्चे को माया को कहता है बाबा और बढ़ाओ संशय, और लो परीक्षा, भटकाओ और भटकाओ, समझ की बात है। इसलिए निश्चय को चेक करो, निश्चय को चेक करना, चलते रहना। और जो बाप को पहचानते हैं ना, बाप किसी भी तन में आए वो पहचान जाएंगे, वो वाणी नहीं देखेंगे, आवाज, वो आंखें नहीं देखेंगे, उन्हें महसूस तो आएगी ये वाइब्रेशंस बाप के अलावा और किसी के नहीं हो सकते, एक ही उपाय है। दुनिया में जितनी आत्माएं हैं उन सबके वाइब्रेशंस अलग अलग हैं, जैसे सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है ना, वैसे वाइब्रेशंस भी अलग अलग हैं। ऐसी दो आत्माएं कभी नहीं मिल सकती जिनके सिमिलर वाइब्रेशंस हो, कभी नहीं मिल सकते आपको, अलग अलग ही मिलेंगे। ऐसी दो दादियां भी नहीं मिल सकती जिनके वाइब्रेशन समान हो, बाप के अपने वाइब्रेशंस हैं, माया के अपने वाइब्रेशंस हैं, माया के पास वो ताकत नहीं है, भल माया सर्वशक्तिवान है लेकिन उसके पास वो ताकत नहीं है कि बाप के वाइब्रेशंस को वो क्रिएट कर सके, माया से बाप की अनुभूति हो सके, ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम माया स्वरूप में हो तो तुम्हें वो दिखा सकती है कि बाप बैठा है, तुम माया स्वरूप में हो,
लेकिन तुम अगर आत्मिक स्थिति में हो तो तुम्हें समझ में आएगा। बाप को सिर्फ वृत्ति से पहचाना जाता है, वाइब्रेशंस वृत्ति से निकलते हैं, ध्यान में रखना। समझ की बातें, इसलिए बाहरी बातों में मत जाओ, आवाज में मत जाओ। उमा वाणी, साकार वाणी, अव्यक्त वाणी, तीनों में कितना अंतर है देखो, अभ्यास करके देखो जरा, शब्दों की रचना देखो, ताकत देखो, पर तीनों में एक वाइब्रेशन समान है। पकड़ सको तो पकड़ो, तीनों वाणियों में एक वाइब्रेशंस एक समान है, वो बाप के है। बहुत गहरे हो, ऊपर ऊपर से नहीं समझ में आएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं इन सारी बातों में मत जाओ, तुम स्वयं के बारे में सोचो, आत्मा के बारे में सोचो, स्वयं की उन्नति करो, आगे बढ़ो, बाप की याद में बैठो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। बाप तो रूप बदलता रहेगा। कभी तुम्हें समझ में आया है कि बाप बाप रूप में कैसे होता है, कैसे दृष्टि देता है, कैसे बात करता है बच्चों से, बाप टीचर रूप में कैसे दृष्टि देता है, कैसे बात करता है, कैसे सिखाता है, बाप सदगुरु रूप में कैसे दृष्टि देता है, कैसे वरदान देता है, कभी समझ में आया है? बाप के तीन रूप समझ में नहीं आए तो बाप तन बदले तो कैसे समझ में आएगा? समझ की बात है, बाबा कहते हैं मुश्किल है, इसलिए जो मुश्किल है उसके पीछे भागो नहीं, जो आसान है अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना वो करो और अपनी उन्नति करो। जब यह उन्नति होगी तो तुम्हें स्वरूप अपने आप समझ में आते जाएंगे। आत्मिक स्थिति के बिना तुम बाबा को नहीं समझ सकते। समझ की बात है, और जिसके समझ में बाबा आने लगा वो संसार में नहीं ठहर सकता, मुश्किल है। ब्रह्मा बाप के समझ में बाप आया इसलिए बिजनेस बंद कर दिया, इसलिए इस राह पर चले। मम्मा के समझ में बाप आया इसलिए इस राह पर चले, घर बार छोड़ के। दादियों के समझ में बाप आया, जगदीश भाई जी के समझ में बाप आया, इसलिए तो सब छोड़ छाड़ के बाप के साथ बैठ गए। ऐसे था क्या कि थोड़ा संसार थोड़ा बाप, थोड़ा संसार थोड़ा बाप? जब बाबा मिलन का टर्न होगा तब जाएंगे, ऐसे था क्या? समझ की बात है, बाबा कहते हैं जिसके समझ में बाप पॉइंट वन भी आने लगता है, पॉइंट वन का भी पॉइंट वन, वो संसार में नहीं ठहर सकता, ठहर ही नहीं सकता। सारे संतों को देखिए, उनके समझ में आने लगा बाप और संसार से निकल गए, संन्यास में चले गए। बाबा ये नहीं कहता कि तुम संन्यास लो, बाबा ये कहता तुम मुझे समझो। समझ की बात है, बाप को समझे, बाप मिले और तुम्हारा संसार ठीक ना रहे, ये हो नहीं सकता। सतयुगी संसार बन जाएगा वो, सतयुग से भी श्रेष्ठ, इतने ऊंच संगम युगी संसार को आप पालेंगे। समझ की बातें हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन सारे सवालों में मत जाओ, दुनिया इसी में अटकी है, बाबा है या नहीं है। अगर है तो क्या कल तुम ब्रह्मा बाप समान बनोगे, लिख के देते हो? पाकर भी क्या किया तुमने अब तक बाप को? किया तो कुछ नहीं, सवाल बहुत है, माया भी दिमाग है सारा। बाबा कहते हैं ऐसे भटकते रहेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे हो जाता है। बाबा तो शांत रहता है, तुम्हें जो ठीक लगे, क्योंकि तुम जो करोगे वो तुम्हें मिलेगा, मेरा कोई संबंध नहीं।
तुम दुखी बनो सुखी बनो, मर्जी तुम्हारी, चॉइस तुम्हारी है, तुम्हारी अपनी जीवन है, तुम मालिक हो तुम्हारे जीवन के, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। बस बाप शिक्षाएं देने आया है, जिसको धारण करनी है वो करे और अपने जीवन को ऊंच बनाए, मर्जी तुम्हारी। तो बाबा कहते हैं एक न मिले दूसरे से, इस बात को ध्यान में रखना, एक पार्ट दूसरे से कभी नहीं मिल पाएगा, हमेशा सब अलग अलग ही रहेगा। अंत तक बाप को कार्य पूरा करना ही है, बाप रहेगा और सब अलग अलग रहेगा। तुम आदि के जैसा सोचोगे नहीं हो पाएगा। साकार वाणी और अव्यक्त वाणी, जमीन आसमान का डिफरेंस है। तुम उत्तर दे सकते हो कि वो एक समान क्यों नहीं है, नहीं दे सकते, इसलिए सवाल मत पूछो, चलते रहो, बस चलते रहो। तुम्हारा काम नहीं है बाप के पार्ट के बारे में विचार करना, तुम्हारा काम है स्वयं के पार्ट के बारे में विचार करना, स्वयं को आत्मिक स्थिति में लेके आना और राजयोग करना, और इससे तुम शुद्ध बनो, धारणा युक्त बनो। तब अगर बाप ने निमित्त बनाया, बाप ने निमित्त बनाया, तो विश्व सेवा का कोई चांस या कार्य तुमसे हो पाएगा, चांस तुम्हें मिल पाएगा। सेवा की भी आशा नहीं करना, तुम पात्र होंगे तो तुम्हें सेवा मिलेगी, समझ की बात है। तुम अपने को बनाना, बाबा कहते हैं ना सेवा वायरस है, उसमें मत जाओ। सारे टकराव, सारे लड़ाई, सारे झगड़े सेवा को लेकर है, सारे आध्यात्मिक संस्थाओं में सारी लड़ाइयां झगड़े सेवा को लेकर ही है। योग को लेकर कभी झगड़े किए कि आप मुझे नहीं उठाओ, मुझे 8 घंटा योग करना है, बैठने दो, मुझे 100 बार मुरली पढ़नी है, हम नहीं आते, कभी झगड़े किए हैं? धारणाओं को लेकर कभी किए हैं? सारे लड़ाई झगड़े सेवाओं के ही है। मंदिरों में भी निमित्त ब्राह्मणों के आपस में टकराव होते, पूजा को लेकर, सेवा को लेकर, कि हमारी पूजा का टर्न है, हम पूजा करेंगे, वो कहते हैं हम पूजा करेंगे, हर साल हम करते हैं इस देवी की पूजा, सेवा है ना। सेवा को दिमाग से निकाल देना, वायरस है वो, बहुत खतरनाक वायरस है, जिसकी दिमाग में गया वो गिर गया। बल बाबा कहता है कि विश्व कल्याण का आधार याद और सेवा, पर पहले याद 8 घंटा, ऐसे 4 मास चले तब तुम सेवा के बारे में सोच सकते हो। 4 मास का 8 घंटे का अगर चार्ट है तुम्हारे पास तो तुम सेवा के बारे में सोच सकते हो, बाकी जब मिले तब करना, इसके पीछे नहीं जाना। ये सबसे बड़ा वायरस है, ध्यान देना इस बात पर, इसे दूर ही रहना। जब बाबा को जिसको जैसे निमित्त बनाना है बनाएगा और सेवा करेगा, तुम्हारे होने से नहीं होगा कुछ, तुम जो बनने की कोशिश कर रहे हो वह अहंकार है, उसमें नहीं जाओ, बाबा कहते हैं नुकसान हो जाएगा, सारी लड़ाई झगड़े उसी में हैं। इससे अच्छा तुम योग में बैठो, तुम्हारा काम है, फर्स्ट प्रायोरिटी है योग, आत्मा समझ के बाबा की याद, उसके बीच में कभी कोई सेवा आए तो तुम करो, वरना तुम्हारा पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए, मुरली और योग, मुरली और योग। जब बाबा को निमित्त बनाना है बना देगा। अब तक यज्ञ में जितने नाम सुने, जिन्होंने सेवा की या कर रहे, कभी सोचा था कि ये करेंगे? ऐसे कोई बाबा चुनता है? जिसके बुद्धि में कभी कोई सेवा नहीं होती उसी को बाबा सेवा के लिए निमित्त बनाता है। सारी युक्ति और शक्ति भी बाप ही देता है। जिसकी बुद्धि में होती है
बाबा कहते हैं ड्रामा ऐसे घटित होता है कि सेवा निकल जाती है उससे आगे, फिर वो विचलित हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। किसके कारण हुआ? सेवा, भटक जाता है। इसके पीछे नहीं लगो, कभी नहीं लगना, शांत बैठना बाबा की याद में। देखिए क्यों क्या मैं नहीं जाना, ये क्यों क्या की जो लाइन है ना क की, उसे भूल जाना आप। क्वेश्चन मार्क की लाइन को दिमाग से हटा देना, क्वेश्चन मार्क से नुकसान हो जाएगा। फुल स्टॉप लगाना, जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा है बहुत बहुत अच्छा, और जो होगा बहुत 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 पदम गुणा अच्छा। यही ध्यान में रखना और तुम चलते रहना, बाकी कुछ सोचना नहीं। बस मैं आत्मा, मैं बच्चा, मैं संतान और मेरा बाबा, बस इतना सा ही याद मेरे, बाकी सब बुद्धि से निकाल देना और अपने को बाप समान बना लेना, जैसे बाप, निश्चिंत बेफिक्र अचल अडोल, ऐसे बाप समान बन जाना। हाँ जी वाला, और ये अनमोल जो जीवन मिला है उस जीवन का उद्धार करना। अच्छा ओ शांति, सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और श्रीमत पर चलते रहना, सदा बाप की याद में रहना। अच्छा ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो, शांति। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा शांति।